हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और प्यारा सा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन। ये देखिए, अगर आप लेडीज स्वेटर बनाने की सोच रहे हैं तो ये डिज़ाइन उसके लिए एकदम बेस्ट है। ये देखिए, बनाने में भी आसान है, कोई भी बिगिनर इसको ट्राई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हो, किसी भी प्रोजेक्ट पर बनाइए, बेबीज फ्रॉक पर बनाइए, नीचे वाले घेर में बहुत ही प्रीटी लगेगा। उसमें स्कर्ट अगर आप बनाना चाहते हो उसमें बनाइए, या किसी पर प्रोजेक्ट पर बनाइए, शॉल मफलर सब में ये यूनिवर्सल पैटर्न है और इतना खूबसूरत है ये। आप बनाओगे तो खुद आपको इसकी खूबसूरती का पता चल जाएगा। ये देखिए, नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, डिज़ाइन और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब। इस डिज़ाइन को बनाने कीजिए। के लिए आपने 6 से गुना करके फंदे रखने हैं और प्लस उसमें करना है 4, तो आपका डिज़ाइन ही अच्छे से बनेगा। मैंने यहाँ पर लगाए हैं टोटल 34 स्टिचेस। और एक खास बात, आप वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, और ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये राइट साइड से भी पड़ता है तो रॉन्ग साइड से भी पड़ता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप डिज़ाइन को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि टफ है या कुछ डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा। तो चलिए, रोवन है राइट साइड से। अब इसमें देखिए क्या करेंगे हम, पहला फंदा हम इसमें सीधा उतारेंगे और फिर हम धागे को आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर स्लिप करेंगे। ये हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, उल्टा उल्टा जैसे हम बनाते हैं उस तरह से हम स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। और देखिए, आगे वाले जो तीन फंदे हैं हमारे पास, ये एक दो और ये तीन, तीन फंदों के बाद में हमने सिलाई को डालना है। कोई भी फंदा आपने नहीं पकड़ना है, इस तरह से देखिए, तीन फंदों के बाद सिलाई को डाला और यहाँ से हम एक फंदा बनाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा खींचना है आपने इसको। और अब हम तीन फंदे ये सीधे बना लेंगे, दो और ये तीन, इस तरह से देखिए। और यहाँ से देखिए, फिर से हमारा रिपीट स्टार्ट होता है, धागा आगे लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप किया, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब देखिए, आगे वाले तीन फंदों में हम सिलाई को यूं डालेंगे, कोई भी फंदा हम यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे, तीन फंदों के बाद हम सिलाई को डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम बनाएंगे सीधा, और फिर ये तीन फंदे भी हम सीधे बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से आपने पूरी रो में करना है। फिर से एक बार देखिए, ये स्टेप हमने बार बार रिपीट करने हैं। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर आगे वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर आगे वाले तीन फंदों के बाद में हम सिलाई को यूं डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम बनाएंगे, फिर ये तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे। और ये ही स्टेप देखिए आपने इस पूरी रो में रिपीट करने हैं, पूरी रो में करते जाना है और लास्ट में आपने दो फंदे ये सीधे बना लेने हैं। अब आ जाइए रो टू में, रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से देखिए क्या हमने करना है, लास्ट के दो फंदे देखिए हमने यहाँ पर सीधे बनाए, वो हम रो टू में उल्टे बनाएंगे इस तरह से। देखिए, दो फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब हम धागे को पीछे ले जाएंगे, जो फंदा हमने यहाँ पर उल्टा बनाया था उसको हम यहाँ पर सीधा बनाएंगे इस तरह से। और फिर देखिए, ये जो आगे वाले तीन फंदे जो हमने सीधे बनाए थे वो हम यहाँ पर भी सीधे ही बनाएंगे, एक हो गया, दो और ये तीन, और फिर हम धागे को आगे लाएंगे, जो देखिए तीन फंदों के बाद में हमने फंदा बनाया था इसको हम स्लिप कर देंगे इस तरह से, और फिर से धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, और ये फंदा देखिए जो पिछली रो में हमने स्लिप किया था वो हम यहाँ पर स्लिप भी करेंगे
ऐसे ही, और फिर हम धागे को पीछे ले जाएंगे और ये एक फंदा ये सीधा, और आगे वाले तीन फंदे जो हमने सीधे बनाए थे वो भी हम सीधे बनाएंगे, दो और ये तीन, और धागा आगे लाकर स्लिप किया हुआ फंदा हमने स्लिप नहीं सॉरी ये जो हमने तीन फंदों के बाद में बनाया था ये हम स्लिप भी करेंगे। और यही देखिए हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। क्या करेंगे हम रिपीट, देखिए यहाँ पर फिर से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, वो फंदा हम सीधा बनाएंगे जो हमने पिछली रो में उल्टा बनाया था, और जो हमने पिछली रो में स्लिप किया था वो हम स्लिप भी करेंगे। फिर हम धागे को पीछे ले जाकर एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे, और ये जो तीन फंदे हमने सीधे बनाए थे वो भी हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, और ये जो फंदा हमने तीन फंदों के बाद में बनाया था वो हम स्लिप करेंगे। तो यही स्टेप आपने पूरी रो में रिपीट करना है, एक फंदा सीधा एक उल्टा ए सॉरी ये स्लिप करना है और ये सीधा, और ये तीन फंदे भी हमने सीधे बनाने हैं। इसी तरह से आपने पूरी रो में करना है, और लास्ट में देखिए ये दो फंदों में आपने एक फंदा सीधा बनाना है और लास्ट का फंदा हमारा उल्टा पड़ेगा। अब आ जाइए रो थ्री में राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही सीधा उतारेंगे, फिर हम धागे को आगे लाएंगे और एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे। अब देखिए जो फंदा हमने स्लिप किया था पहली और दूसरी रो में वो हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे इस तरह से, फिर धागे को आगे लाएंगे और एक फंदा ये उल्टा जो हम उल्टा बना रहे हैं हर बार। अब इसके बाद देखिए जो तीन फंदों के बाद में हमने फंदा बनाया था जिसको हमने सेकंड रो में स्लिप किया है उसको हम यूं ही पकड़ लेंगे, फिर धागे को आगे लाएंगे और ये तीन फंदे हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे इस तरह से, और फिर धागे को पीछे ले जाकर ये फंदा हम जो हमने स्लिप किया इसको हम तीन फंदों के ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। देखिए यही आपने इस पूरी रो में रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे, और ये एक फंदा हम ये स्लिप करेंगे जो तीन फंदों के बाद में हमने बनाया था इस तरह से, फिर धागा आगे, फिर ये तीन फंदे उल्टे और धागा पीछे, ये स्लिप किया हुआ फंदा हम इन बुने हुए फंदों के ऊपर से उतार देंगे, तीन बुने हुए फंदों के ऊपर से। तो इसी तरह से देखिए आपने इस पूरी रो में करते जाना है और लास्ट के दो फंदे आपने सीधे बना लेने हैं। अब आ जाइए रो फोर में रॉन्ग साइड से। अब यहाँ पर देखिए क्या हम करेंगे, दो फंदे जो हमने सीधे बनाए थे वो हम यहाँ पर उल्टे बनाएंगे इस तरह से, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और एक फंदा जो उल्टा बनाया था पिछली रो में थर्ड रो में वो सीधा बनाएंगे, फिर धागे को आगे लाएंगे और तीन फंदे देखिए यहाँ पर हम ये उल्टे बनाएंगे इस तरह से, जो पिछली रो में हमने सीधे बनाए वो हम उल्टे बनाएंगे यहाँ पर, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ से देखिए हमने रिपीट करना है ये, एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा और धागा आगे लाकर तीन फंदे उल्टे। इसी तरह से देखिए आपने पूरी रो में रिपीट करना है, एक फंदा सीधा बनाना है, धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लाकर तीन फंदे उल्टे। इसी तरह से आपने पूरी रो में करना है और लास्ट में देखिए आपने दो फंदे एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदा सॉरी ये वाला फंदा हमारा सीधा पड़ेगा सेकंड लास्ट, और ये लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा पड़ेगा। अब इस तरह से देखिए रो फोर मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमारा डिजाइन भी ये ओवर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर डिजाइन हमारा ये आ गया है, बहुत ही प्रिटी बनता है ये, बहुत ही खूबसूरत बनता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद आपको इस डिज़ाइन का पता चल जाएगा, रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखता है।
अब आपने रो वन से लेकर रो फोर तक कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।